विदिशा में श्रीमद् भागवत कथा का भक्तिमय आयोजन। भक्ति में डूबे श्रद्धालु। विदिशा जिले के समीप ग्राम छपरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन पंडित संजय दुबे जी महाराज ने भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा सुनाई। इस आयोजन के दौरान नरेंद्र व्यास जी ने शिवलिंग सेवा और पूजन भी कराया। कथा में भक्त प्रहलाद की भक्ति का वर्णन करते हुए बताया कि वे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप जो एक निर्दयी राजा थे ने प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने पर नाराज होकर अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर खंभे से प्रकट होकर प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इस कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति भाव से नृत्य किया। हरिजन समुदाय भी बड़ी संख्या में कथा का रसपान करने पहुँचा। प्रहलाद अंदर से खेलते हुए बोले प्रहलाद तो जी कैसे फेंका तुम लोग, तुम लोग झूठ बोलते हो, इसे मारते नहीं हो, हमसे झूठ कहते हो, जाओ से जहाँ पे हाथी बने हाथी की सार में फेंक गया हो। सो हाथियों के बीच में फेंक दिया छोटे से प्रहलाद। अब वे हाथी प्रहलाद पे पांव नहीं रख रहे, प्रहलाद लेते हाथियों में, क्योंकि जानवर जानता है प्रेम। अब एक गाय भी अपना बच्चा आंगन में खेल रहा हो, गाय वहां से निकल जाए, ऊपर से निकल जाएगी गाय, पांव नहीं रखेगी बालक पे। इतना मूर्ख नहीं होता जानवर हमारी तुम्हारी तरह। हम तुम अपने ही बच्चों को रखाते, केवल दूसरे का बच्चा तो खूब जैसा चाहे हो, मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। इतने हम लालची हैं, इतनी छोटी